बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही बीजेपी और विपक्ष के बीच की दरार खाई में बदलती जा रही है। नए मंत्रिमंडल में शामिल नेताओं पर अब तक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तुलना विदेशी लड़कियों से कर दी और कहा है कि जैसा वो बॉयफ्रेंड बदलती है वैसे नीतीश कुमार सरकार बदलते हैं। बिहार की सरकार बदली तो एक ने बोला, बोले ये तो हमारे यहाँ होता है, बोले बॉयफ्रेंड कभी बदल लेती लड़की। बीजेपी और विपक्ष के बीच बिहार की जंग में आए दिन नए हमले दोनों ओर से हो रहे हैं। बीते दो दिनों से बिहार के नए मंत्रिमंडल पर बीजेपी महागठबंधन पर हमले बोल रही थी, लेकिन बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसने के दौरान मर्यादा की सीमा लांघ दी। कैलाश विजयवर्गीय ने नीतीश कुमार की तुलना विदेशी लड़कियों के साथ कर दी। बिहार की सरकार बदली तो एक ने बोला, बोले ये तो हमारे यहाँ होता है, बोले बॉयफ्रेंड कभी बदल लेती लड़की। बिहार के मुख्यमंत्री की भी ऐसी पोजीशन है, कब किससे हाथ मिला ले, कब किसका हाथ छोड़ दे। तो ये थे कैलाश विजयवर्गीय, जो नीतीश कुमार को विदेशी लड़की बता रहे हैं, वो विदेशी लड़की जो बार बार बॉयफ्रेंड बदलती है। कैलाश विजयवर्गीय के इस तंज पर जेडीयू एक कदम और आगे निकल गई। जेडीयू नेता ललन सिंह ने बीजेपी के हमलों की तुलना विधवा विलाप से कर दी। बीजेपी वाले बेचारे सत्ता से अलग हट गए हैं तो विधवा विलाप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? एक घटना हुई है तो उनको कह रहे जंगल रात दिखाई पड़ने लगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि स्त्रियों के बारे में ऐसे नकारात्मक विचार रखने वाले भाजपाइयों के होते हुए बीजेपी के राज्य में देश की नारी की स्थिति कैसे सुधरेगी। उधर मंत्रिमंडल को लेकर चल रहा घमासान अब तक नहीं थमा है। कानून मंत्री को लेकर हमला कर रही बीजेपी ने अब शिक्षा मंत्री को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का शिक्षा मंत्री बनाया है जो किताबों का नहीं कारतूस का शौकीन है। इनका नाम है श्री चंद्रशेखर यादव, जो मधेपुरा से विधायक हैं और ये 2020 में दिल्ली से जब पटना आ रहे थे तो दिल्ली हवाई अड्डे पर इनके बैग में छिपा कर रखी गई 0.315 की 10 mm की 10 गोलियां थी, जिंदा कारतूस था और छिपा कर ला रहे थे। इस आरोप में पुलिस ने इनके बैग को जब्त कर लिया। इनको 2 घंटे तक थाने पर पूछताछ के लिए रखा गया। इससे पहले कानून मंत्री कार्तिक कुमार को लेकर भी बीजेपी ने महागठबंधन पर हमला किया था और कहा था कि बिहार में गुंडा राज लौट कर आ गया है। इधर बिहार में अपराध की घटनाएं भी अब दिखाई देनी शुरू हो गई हैं। बुधवार को पटना में एक युवती को गोली मारने की घटना के बाद अब भोजपुर के जगदीशपुर में एक युवक को गोली मारने की घटना सामने आई है। मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मजपुर गांव का है। 26 साल के रितेश कुमार को हथियारबंद नामजद अपराधियों ने उन्हीं के गांव में खेत के पास गोली मार दी। खुद परिवार वालों को भी नहीं पता कि रितेश को किसने और क्यों गोली मारी। गोली रितेश के दाहिने आंख में लगी है जो अभी भी ब्रेन में फंसी हुई है और अस्पताल में उसका इलाज जारी है। बिल्कुल, दाहिने आंख में गोली लगी है, पूरा आईबॉल उसका वो हो गया है और काफ़ी एक्टिव ब्लीडिंग है। तो बहुत मुश्किल से हम लोग, ब्रेन के अंदर भी गोली है, बड़ी मुश्किल से उसका ब्लीडिंग सिक्योर किया गया है। पेशेंट अभी अनकॉन्शियस है, वोमिटिंग हो रहा है। बिहार में सरकार बदलने के बाद से हो रही घटनाओं के बाद नीतीश सरकार फिर से सवालों के कटघरे में है। बीजेपी महागठबंधन की सरकार पर एक के बाद एक हमले कर रही है, लेकिन हमलों की इस बौछार में भाषा की सीमा भी लांघी जा रही है। आरा से मनीष कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।